हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज अपने बर्थडे के दिन मैं सबको ट्रीट देने वाली हूं, तो आप भी शामिल हो जाइए इस ट्रीट में और देख लीजिए रेसिपी मैं क्या बनाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे इस वीडियो को जो सपोर्ट दिया है उसके लिए सबको थैंक्स, और आगे भी मेरी वीडियोज़ का इसी तरह से लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं बर्थडे का चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, तो देख लेते हैं रेसिपी। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है एक टीन को, ग्रीस कर लेना है ऑयल से, उसको रख देना है साइड में, और एक बोल ले लेना है। एक ले लेनी है छन्नी, इसमें डाल देना एक कप मैदा, 8 बड़े चम्मच चीनी, 7 बड़े चम्मच कोको पाउडर, इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। मिक्स कर देना है पहले इनको। अब इसमें डाल देना है दूध, 1/2 गिलास दूध मैंने लिया है। घोल बना लेना है इसका, मिक्स कर लेना है सबको। घोलने के बाद इसमें डाल देने हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब इसमें 1/2 चम्मच डाल देना है सिरका, मिक्स कर देना अच्छे से। बिल्कुल परफेक्ट घोल तैयार हो गया है। अब ले लेना है वो टिन जो हमने ग्रीस करके रखा था, ये सारा बैटर इसमें डाल देना है। इसको अब टैप कर लेना है जिससे कि सारी तरफ से ये इक्वल हो जाए। अब ये इक्वल हो गया है, अब इसको प्रेशर कुकर में डालकर हीट दिला देनी है। तो गैस पे रख देना है कुकर या कढ़ाई, इतना बड़ा रखना है जिसमें कि ये टीन आ जाए। इसको पहले प्री हीट कर लें 5 मिनट के लिए, कवर लगाकर विसल निकाल लेनी है। गैस का फ्लेम हाई कर देना है, 3 से 4 मिनट तक इसको प्री हीट होने देना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं प्रेशर कुकर को स्टीम देते हुए। अब इसमें डाल देना है नमक, मैं 1/2 कटोरी नमक डाल रही हूँ। इसमें बिछा देना है इस तरह से, प्रेशर कुकर गर्म है इसमें हाथ नहीं डालना, इस तरह से बिछा दें। आपका बर्तन जितना बड़ा है उस हिसाब से ही नमक ले लें। नमक को इस तरह बिछा दिया है मैंने। अब इसके ऊपर रख देना है एक बर्तन, ध्यान से रखना है क्योंकि प्रेशर कुकर गर्म है हमारा, प्री हीट किया हुआ है। इसके ऊपर रख देना है टीन, ध्यान से रखना है इसको। इस तरह से इसको रख देना है और 35 से 40 मिनट तक इसको प्रेशर का कवर लगाकर, बिना विसल के कवर लगाकर इस तरह से इसको लो फ्लेम पर रख देना है 35 से 40 मिनट के बाद। देख लेंगे इसको खोलकर। तो 40 मिनट हो गए हैं केक को पकते हुए, खोल के देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक टूथपिक से। क्लीन टूथपिक आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा केक बन के तैयार हो गया है। इसे निकाल लेना है क्योंकि ये कुकर भी गर्म है और केक का टिन भी गर्म है, तो इसको बाहर निकाल लेना है। तो केक को अभी ठंडा होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद इसको टैप करके निकाल लेंगे। तब तक इसे डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट सिरम बना लेते हैं। तो मिक्सिंग जार में मैंने ओरियो के बिस्किट ले लिए हैं 5, इनको तोड़कर डाल दिया है। अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा दूध, इसमें डाल देने हैं 2 बड़े चम्मच दूध, और इसको ग्राइंड कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, केक ठंडा हो चुका है। अब इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। निकालने के लिए इसको एक बार चाकू से कॉर्नर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। बहुत ही इजीली निकल गया है ये। अब इसको हल्के हाथों से पलटा लेना है, फ्रंट साइड इसकी इस तरह से कर लेनी है, और यहीं से ही डेकोरेट करूँगी मैं। अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ चॉकलेट सिरम जो बना के रखा था ना। तो चॉकलेट सिरम के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ स्टिक। इस तरह से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैं, साइड में ऐसे डेकोरेट कर लेना है बस। तो अब मैं इस पर लगा देती हूँ चेरी इस तरह से, देखने में भी खूबसूरत लगे केक, देखते ही मन करेगा खाने का।
तो लीजिए फ्रेंड, बना के तैयार कर लिया है मैंने मेरा चॉकलेट केक। तो मेरी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।